एवरी वन वेलकम टू मे आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की आपके प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे कौन से करंट अफेयर है कि जो आपके प्रीलियम में पूछे जा सकते हैं और एग्जैक्टली exactly उनमें से भी क्या पूछा जा सकता है तो उन्हीं चीजों को शॉर्टलिस्ट करके हम लोग यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं

तो वो आपकी क्लास के अंदर या फिर जो भी हमारा एक मॉड्यूल रहता है पूरा आई विल टेल यू आल्सो उसके थ्रू जो है वो कवर हो चुका होगा अदरवाइज वो ऑल ओवर इंडिया किसी को भी नहीं आता होगा राइट चलिए टू द पॉइंट के अंदर आज के टॉपिक में हम चलते हैं पहले कोर्स के बारे में बाद में बात करते हैं पहले इट्स स्टडी अ बिट ओके ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टू uh, थाउजेंड में सेंट्रल वाटर कमीशन ने उसको ऑलरेडी पास कर दिया था बट ये अभी दोबारा न्यूज में आया ये अभी तक हुआ नहीं है ये बना नहीं है तो ये दोबारा न्यूज में आया है एंड uh, इस न्यूज में आने के बाद में हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में आने के बाद एक्टिव हो गया है न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से न्यूज में आया है अभी हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है थोड़ा सा

तो ये राजस्थान चाह रहा है इस वजह से जो है ये न्यूज में आ रहा है हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज कि ये प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं है ना और इस टाइप की चीज जो है आपके मेंस में आपको बहुत हेल्प करती है कि अगर आप इस टाइप की चीज को जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट राजस्थान द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद अ विदोग्राफिकल एरिया ऑफ

चलिए आगे चलते अमंग द स्टेट वाटर बॉडीज ओनली द चंबल रिवर बेसिन हैज सरप्लस वाटर बट दिस वाटर कैन नॉट बी टैप डायरेक्टली बिकॉज द एरिया अराउंड द कोटा बराज इज डेजिग्नेटेड एज क्रोकोडाइल सेंचुरी आपने इसका एक बार अगर आप आ, मैप देखेंगे अभी इस वीडियो क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो होती है वी आर नॉट एबल टू डिस्कस मैप्स विद यू पर आप इसका मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोटा बराज किस जगह पे है और चंबल रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और किस क्यों वो टैप नहीं हो पा रहा है पानी थ्रू दी हेल्प ऑफ दी डाइवर्जन स्ट्रक्चर बेसिन वॉटर ट्रांसफर्स लिंकिंग चैनल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पंपिंग मेन फीडर चैनल टू दर सी पी एम्स टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ वॉटर चैनल्स विच विल कवर ट्वेंटी थ्री विच विल कवर ट्वेंटी थ्री पॉइंट एरिया ऑफ राजस्थान अलॉन्ग विदेंट पॉपुलेशन ऑफ दी है तो यह थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्यों पूछ हो रहा है और क्यों यहां पर इंटरलिंकिंग की बात हो रही है राइट चलिए आगे चलते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं कि कैसे है ये क्या है इसका एम क्या है इट एम्स टू हार्वेस्ट सरप्लस वॉटर अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन इन द रिवर्स इन सदर राजस्थान इंक्लूडिंग कुन्नू रिवर वी हैव पार्वती कालीसिंद एंड यूज दिस वाटर इन द साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट वेयर देर इजार सिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन ठीक है मतलब यही किसी भी कैनाल प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली यही काम होता है कि वहां पे वॉटर सरप्लस एरिया से उसको वाटर स्कार एरिया में लेके जाना है यही पर्पस है कनाल का राइट और यहां पर भी यही है थोड़ा सा इसने और ज्यादा डायरेक्ट कर दिया है बताने में कि चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को यूज करेंगे है ना और कहां पे साउथ ईस्टर्न राजस्थान के जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए ईआरसीपी इज प्लान टू मीट ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल वाटर नीड्स ऑफ दिस ददर्न एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान फॉर ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक टिल दर ट्वेंटी फिफ्टी ठीक है अब यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पर द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टू कनाल्स ठीक है इस प्रोजेक्ट के अंदर टू कनाल आर देयर कौन कौन सी है वह देखते हैं हम नंबर वन वी है चंबल कनाल विच ऑरिजिनेट्स चंबल कनाल ओरिजिनेट फ्रॉम वॉट चंबल रिवर ईस्ट राजस्थान कनाल विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माह रिवर राइट तो अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए ERCP is expected to irrigate about again देखो यहाँ पे ना prelims के लिए तो पक्का ही आपको ये वाली figures याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है right prelims में वो किस तरह से पूछेगा कि ये सिर्फ राजस्थान का प्रोजेक्ट है या नहीं है ना पर हमें पता लग रहा है कि राजस्थान एंड मध्य प्रदेश right तो उस तरीके से जाना ये क्या क्या बोल रहा है point क्या बोल रहा है कि तो ERCP is expected to irrigate about 3.4 million hectares of agriculture land in Rajasthan and Madhya Pradesh ठीक है तो prelims के अंदर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ERCP उसमें पता है आपको R का मतलब भी पता है कि Eastern Rajasthan की राजस्थान का प्रोजेक्ट है लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू राजस्थान इसका जो फायदा है इसका जो बेनिफिट है इट इज नॉट लिमिटेड टू राजस्थान ठीक है तो प्रीलिम के अंदर यहां पे कहीं आपको घुमाया जा सकता है है ना और बहुत इजी है इसको समझना कि हाँ यार ईआरसीपी नाम में ही है तो ये मध्य प्रदेश को क्यों करेगा राइट right? हालांकि अगर आपकी जोग्रफी स्ट्रांग होगी तो समझ में आएगा कि यार बॉर्डर तो लगता ही है और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है एंड इट इज गार्डेड राइट हेवीली गार्डेड या इसको रोक के रखा हुआ है नहीं है ना तो लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है बट यहाँ पे फैक्ट आपके सामने है तो आपको याद मत अब तो हो ही जाएगा द प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट ये रहने दीजिए द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव सेंट्रल वाटर कमीशन इन टू थाउजेंड 17 तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया था जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी 2017 में पास हो रखा है चलिए इस पूरी कहानी के बीच में ना एक एक छुपका सा जो टॉपिक है हालांकि ये बहुत स्टैटिक टॉपिक है चंबल रिवर ये एक्टिव हो गया है मतलब मे और मे नॉट यू बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन ई आर सीपी बट चंबल के ऊपर चंबल रिवर के ऊपर आपका जो है uh, सवाल डेफिनेटली आ सकता है तो सर्टेन पॉइंट है ना जो चंबल रिवर के स्पेसिफिक है और इसके अंदर से जो है सवाल बनना बहुत ईजी है और प्रॉबेबल है थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है नंबर वन यू गेट अ क्लास विच सैटरडे एंड मंडे जिसके अंदर जो पिछला वीक होता है उसके करंट अफेयर जो है वहां पे कवर होते हैं क्लास के अंदर एंड इट्स uh, वेरी ओपन क्लास डिस्कशन बेस्ड क्लास होती है यहाँ पे क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मुद्दा क्या है इसके अंदर बात क्या हो रही है एंड आफ्टर दैट वेन यू राइट आंसर्स जब आप लिखते हो आंसर्स लिखते हो तो वो बहुत इफेक्टिव आंसर्स निकल के आते हैं क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाते हैं कि यार क्या चल क्या रहा है ओवरऑल जीएस में भी इसका बहुत आपको फायदा मिलता है प्लस कंटेंट तो इसके अंदर आपको मिलता ही ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीज ही करंट बेस्ड है नथिंग इज स्टैटिक इन दैट क्लास सेकेंड यू गेट वीकली पीडीएफ यू गेट वीकली पीडीएफ जिसके अंदर आपको पिछले वीक का क्यूरेटिड कंटेंट मल्टीपल न्यूज पेपर से छांटने के बाद और उसको शॉर्ट करने के बाद स्टेटिक पोर्शन की भी रिसर्च साथ में लगाने के बाद एक पीडीएफ तैयार होती है कि जो आपको आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएगी वंस यू ज्वाइन द कोर्स और इस पीडीएफ के बाद एक और चीज है दैट इज वीकली टेस्ट एज वेल तो वीकली टेस्ट के बाद में जो आपने पढ़ा होता है इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दिस तो वो आपका जो है वेरीफाई भी हो जाता है और रिवाइज भी हो जाता है और एक तरीके से आपका वीक बाय वीक बाय वीक आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाती है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट साल के लास्ट में इस क्लास के बाद आपके पास एक रजिस्टर बनेगा करंट अफेयर्स का जिसको हम अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं uh, मतलब हर एक सेगमेंट का एक अलग से रहता है कि इकोनॉमी का अलग सेगमेंट है जोग्राफी uh, का अलग है इन्वायरमेंट का अलग है साइंस एंड टेक का अलग है ऐसे करके छः सात सेगमेंट्स में बांटने के बाद आपके पास एक रजिस्टर रहता है एंड वंस यू रिवाइज दैट रजिस्टर आपका करंट अफेयर्स पूरे साल का जो है आपका रिवाइज हो गया है सो यू ऑल्सो गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल फॉर दिस ऑलमोस्ट फॉर गॉट अबाउट दैट टू टेल यू सेवन डेज का फ्री ट्रायल है आपके पास सो प्लीज चेक इट आउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आप उसको ज्वाइन कीजिए एक दो क्लासेस लगाइए आपको क्वालिटी uh, अगर अच्छी लगी तो डू कॉन्टिन्यू राइट चलिए आगे चलते हैं इट ओरिजिनेट्स चंबल रिवर पे चलते हैं इट ऑरिजिनेट्स एट सिंगार चौड़ी पीक इन दी नर्दर्न स्लोप्स ऑफ इंडिया नर्दन स्लोप्स ऑब्वियसली नर्दर्न स्लोप्स में होगा क्योंकि ये चंबल रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये यमुना की तरफ जाती है और कहां से हो रहा है ये इंदौर मध्य प्रदेश राइट अगेन समथिंग जिसको कंफ्यूजन ये चीज जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है बिकॉज अल्टीमेटली चंबल को हम रिलेट ही राजस्थान से कर पाते हैं है ना कि उस तरफ से निकल रही है हम प्रोजेक्ट चंबल के ऊपर बन रहा है और ये राजस्थान का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नाम में राजस्थान है राइट right? सो so, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली इंदौर मध्य प्रदेश फ्रॉम देयर इट फ्लोज इन द दॉन डायरेक्शन इन मध्य प्रदेश फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट थ्री फोर सिक्स किलोमीटर देन फॉलोज नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ टू टू फाइव किलोमीटर थ्रू राजस्थान ठीक है इट एंटर्स यूपी एंड फ्लोस फॉर अबाउट थर्टी टू किलोमीटर यहां पर देखो एक, एक सवाल बन सकता है कि वो बता देंगे कि चंबल रिवर की जो लेंथ है वो मैक्सिमम किस में है और वो ऐसे ही कि मध्य प्रदेश ग्रेटर देन राजस्थान तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी ग्रेटर देन यूपी तो इसको वो चेंज कर करके -कर -कर लिखता रहेगा वहां पे है ना कि यूपी आगे कर दिए कि यूपी में सबसे ज्यादा बहती है या सबसे ज्यादा कहां है तो हमें पता लग रहा है मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी थ्री फोर्टी सिक्स किलोमीटर की दैट इज इन मध्य प्रदेश एंड देन वी हैव टू टू फाइव किलोमीटर इन राजस्थान तो ये एक सवाल बन सकता है है ना तो इस टाइप की चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है आ सकता है ऐसा भी इट इज अ रेनफेड रिवर अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स बेसिन इज बाउंडेड बाय विंध्यन माउंटेन रेंजेस एंड द अरावलीज द चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द मालवा रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश ठीक है चलिए दी दौती प्लेट्यू इन राजस्थान अकर्स इन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ द चंबल रिवर टू द साउथ ईस्ट ऑफ मेवाड़ प्लेन्स ठीक है अब ये सब क्या चीज है अगेन दिस इज समथिंग जो मैप वर्क है जिसको हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि एक बार आपने अगर देख लिया इसको अगर हमने एक बार ढंग से मैप पे बता दिया और आपने देख लिया तो इट इज डन हालांकि ये करंट का पार्ट नहीं है ये स्टैटिक का पार्ट आता है लेकिन जब ऐसा कोई टॉपिक एक्टिव हो जाता है करंट अफेयर्स के अंदर तो उसको अगर हम करंट मान के कर लें, तो बहुत फायदा होता है क्योंकि आप उसको रिवाइज है, है हर एग्जाम के लिए पढ़ के जाओगे है ना तो ये वाली चीजें भी हम उसके अंदर जो है मैप वर्क के साथ प्रॉपर कर सकते हैं केस अगर आप क्लास नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि फॉर एक बार मैप जो भी यहां पे लिखा हुआ है इसको एक बारी मैप पे जरूर देख लेना कि क्या कहना क्या चाह रहा है प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर लगे हुए हैं गांधी सागर डैम राणा प्रताप सागर डैम जवाहर सागर डैम एंड कोटा बराज ये सारे किसके ऊपर है चंबल रिवर के ऊपर अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल सकता है इसके ऊपर भी डायरेक्टली सवाल आ है सो जस्ट बी केयरफुल अगर इसके ऊपर सवाल आ गया तो अगर आपने ये पढ़ रखा हुआ तो इट तो इज वेरी इजी अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसको गैस वर्क नहीं कर सकते राइट चलिए द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड अलॉन्ग रिवर चंबल ऑन दाई जंक्शन ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश अगेन इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है इसलिए मैंने यहां पर डाला था कि इट इज सम इंपॉर्टेंट uh, यहां पे अगेन स्टैटिक का ही पार्ट है बट uh, ये थोड़ा सा अगर यहीं पे कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा ट्राई जंक्शन पे है राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इट इज नोन फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल अब यहां पे देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है कि घड़ियाल क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड द एंडेंजर्ड गैंजिस रिवर डॉल्फिन तो आपको चंबल में, रिवर में रिवर में गैंजिस डॉल्फिन जो है वो भी देखने को मिलती है विच इज endangered all right thank you so much that is all in today's topic uh, i once again remind you that you get a 7 days free trial go check it out uh, link is in the description thank you very much my name is rohit garcha and you are watching abhimanyu ias